माछीवाड़ा साहिब सरकारी अस्पताल जो पहले से ही डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी के कारण सुर्खियों में है, फिर से अस्पताल में खराब प्रबंधन के कारण एक बच्चे की प्रसव में मृत्यु हो गई, जिसके कारण परिवार के सदस्यों के बीच एक स्वास्थ्य विभाग है इसके खिलाफ बड़ी नाराजगी। रमनदीप सिंह ने कहा कि उनकी पत्नी पूजा कुमारी 6 साल के बाद गर्भवती हो गई और ड्यूटी पर मौजूद नर्स और आशा कार्यकर्ताओं ने उसे लेबर रूम में ले जाया गया, जिसे कई घंटों तक तड़पाया गया, लेकिन डिलीवरी के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया। तो 9 बजे तो लैके ना 4:30 बजे तक सानू इतने तड़फाते रहे। 4:30 बजे कहते बच्चा फस गया, तो बाहरों डॉक्टर बुला के इन्होंने बच्चा कढ़ाया, इन्होंने आप भी कुछ नहीं कराया। बच्चे की डैथ हो गई जी? बच्चे की डैथ हो गई। इतने डॉक्टर कोई नहीं, रात में डॉक्टर ने कुछ कोई नहीं आया, कल तो नहीं आया, अज नहीं आया डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर ने डिलीवरी की? डॉक्टर ने डिलीवरी नहीं की, जोड़े स्टाफ हैं साहब इंचार्ज होंगे, नर्स वगैरह होंगे, उन्होंने कराया डॉक्टर। हम तुम की मांग करते हो प्रशासन को? साहब तो आया जी। अच्छा, किदा होया जी सारा मामला है? ये सारा मामला सर रात 9 बजे इतने लग गए थे। हाँ जी। तो उन्होंने एडमिट वगैरह किया, उन्होंने दसा भी इन्ने घंटे डेढ़ घंटे तक उन्होंने भी केस होना है जी। उन्होंने दुप वगैरह लगाई तो 11 बजे ले गए उन्होंने लेबर रूम के बाद 11 बजे तो बाद 2 बजे तक कोई इन्हों की रिस्पोंस नहीं, कहते नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा केस, कोई नॉर्मल नहीं किया उन्होंने। जो बच्चा बाहर जमें जो बाहर आया तो बाद बच्चा फस गया, तो बच्चे बाद डेथ हो गई। ये डॉक्टर ने किया सारा? कितना जरा नर्स है, नर्स ने डिलीवरी की सारी? हाँ जी। डॉक्टर साहब तो आए नहीं। अच्छा जी, तो उस तो बाद बाहरों डॉक्टर भी बुलाया गया वहाँ जो बच्चे डेथ हो गई? बाद उन्होंने बुलाया जी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने फोन करके तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, तो कोई आत्मा हॉस्पिटल उन्होंने बुलाया। अच्छा, किन्ने साल बाद होया जी बच्चा इन्हां दे जी? 6 साल हो गए। 6 साल का बच्चा। तो तुम की मंग करते हो प्रशासन तो जी? प्रशासन मंग करते हैं जी डॉक्टर साहब से जी ड्यूटी वगैरह कर, बाकी बच्चे का जो भी माड़ा हो। हाँ जी, माड़ा होया तो 6 साल बाद बच्चे का जो भी है उन्हों का सरपंच। पहली गल तो यह है भी जो बच्चे की डैथ हुई है बड़ी मंदभागी घटना, मेरी पूरी सहानुभूति उस परिवार नाल है। बट जिहड़ी डिलीवरी हुई है वो स्टाफ नर्स ने की है, जो कि क्वालिफाइड होंगी है नॉर्मल डिलीवरी कर। साढ़े माछीवाड़ा विखे जिहड़ियां डिलीवरीज ने नॉर्मल डिलीवरीज ये स्टाफ नर्सिस कर दी आ रही ने, 50-60 डिलीवरीज महीने दी हो जाती है। तो इस करके मैं यही कहूँगी भी यह मंदभागी घटना है। डॉक्टर नहीं डिलीवरी करते? डॉक्टर ऑन कॉल बुलाते नहीं डिलीवरी करते? एमरजेंसी हो डॉक्टर इतने है नहीं कोई जी? नहीं, डॉक्टर जो एमरजेंसी वास्ते साढ़े को सिर्फ एक डॉक्टर है हूँ प्रेजेंटली, एक डॉक्टर असी बाहरों बुलाए। ये डॉक्टर 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उस तो बाद रात को अगर कोई एमरजेंसी आती है उसको फर्स्ट एड वगैरह दे के प्रॉपर मैनेज करके डॉक्टर ना टेलीफोन पर ही कंसल्ट करते, उस तो बाद पेशेंट को रेफर जरा हायर इंस्टीट्यूट रेफर करते हैं। यानी कि इतने डिलीवरी डॉक्टर नहीं करते, नर्स ही करते हैं अक्सर? डिलीवरीज नर्स स्टाफ नर्सिस कर दी एंड ये हो ही जाए, ये कोई रुकावट नहीं। कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट बाहर डॉक्टर बुला के भी डिलीवरी करेगी, जो जो बच्चा डेथ होगी या कुछ प्रॉब्लम है बच्चा फंस गया इस बारे में कोई जानकारी?